तुम्हारा काम है। तो अभी एक्चुअली कल के लिए ही इसका हेलमेट और टी शर्ट यहाँ से उठाने थे। So finally my biggest parcels has been revealed, जो कि था मेरा Panasonic Lumix Z7 and my like kind of whole vlogging setup. That is my DSLR and my shotgun microphone. Finally इन सब की unboxing आ चुकी है. So welcome back to my channel everyone. I hope you are doing great. But फिलहाल मैं मेरा camera use नहीं करने वाला vlog करने के लिए. I'm just going to use my Zenfone 5Z for vlogging. जब भी मैं travel करूँगा मैं सिर्फ तभी ही मेरा 6-7 camera use करूँगा. लेकिन कुछ time बाद means hopefully in the next 1 or 2 months I like permanently shift on my G7 camera for vlogging. तब Zenfone होगा side में, तब मैं सिर्फ यूज करने वाला हूँ मेरा G7 कैमरा। फाइनली कल अपनी बाइक भी फुल रेडी हो गई है फॉर माई नेक्स्ट राइड, जो कि शुरू होगी कल और खत्म भी कल ही हो जाएगी। जस्ट एक दिन की छोटी सी राइड, ये राइड भी इसीलिए हो रही है बिकॉज आई एम गोना रिवील माय बिग प्लान, इसीलिए मैं स्पेशली राइड कर रहा हूँ कल ही। और फाइनली बाइक को भी मैंने एकदम फुल्ली वॉश, और इनफैक्ट मैंने कल बाइक की चेन को भी घर पे फुल एकदम क्लीन किया है, चेन एंड एज वेल एज उसका ये वाला पार्ट भी एकदम फुल्ली ब्लैक और एकदम ग्रीस ग्रीस वाला हो गया था। इसी कपड़ा से मैंने साफ किया था, एक बार देखो। सो पूरी मैंने घर पे चेन और उसका ये वाला पार्ट फुल क्लीन कर दिया, और मैंने बाहर जाके भी इसमें चेन स्प्रे करवा दिया है। बाकी तो अपनी बाइक एकदम वॉशिंग के साथ फुल्ली रेडी हो गई अपने नेक्स्ट राइड के लिए। तो आज मुझे वापस जाना है अहमदाबाद, एज आई सेड इन माय 2-3 ब्लॉक्स बैक के लाइक अब अगले 2 महीने के लिए मुझे हर वीकेंड जाना पड़ेगा अहमदाबाद। वीकेंड मतलब हर सैटरडे आई हैव टू गो टू अहमदाबाद, इसलिए मैंने कल की राइड का सारा सामान भी टाइप ऑफ रेडी करके यहाँ पे रख दिया है, जिसमें हो गए मेरे 2 हेलमेट, मतलब कि एक मेरा हेलमेट और एक मेरे फ्रेंड का हेलमेट है, देन सेल्फी स्टिक, ट्राइपॉड, पावर बैंक, मीवी 360 कैमरा होल्डर, वॉलेट एंड ऑल दैट। मतलब फिलहाल की है तो इतना है मुझे बाहर, मेन चीज़ें मैंने यहाँ पे संभाल के रखी है। और इस बार की राइड में सामान काफ़ी कम होने वाला है बिकॉज सिर्फ हम लोग 2-3 पानी की बॉटल लेंगे और बस प्रोपस का एक मेरा कैरी केस, सिर्फ इतना ही होने वाला है। और हाँ ऑफकोर्स ट्रैवल सीरीज है तो आई एम गोना यूज माई Panasonic Lumix G7 एंड माई शॉटगन माइक्रोफोन फॉर व्लॉगिंग, और फोटोज, इंस्टाग्राम रील्स सब काफ़ी मस्त आने वाले। सो गाइस प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, नाम है मिस्टर व्लॉगर। Alright, so finally leaving. Currently it's 11:45 और हमारा पहला स्टॉप होने वाला है वही विजयपुर वाला ओशक, बिकॉज एक आइटम है जो चेंज करवानी है वहाँ पे, जो हमने लास्ट सैटरडे बाई किया था जब मैं वापस आ रहा था वहाँ से अहमदाबाद से हिम्मतनगर। सो आज जा रहा हूँ तो मैं एक्सचेंज करवा के जाऊँगा। सो पहुँच गए, सो एक्सचेंज तो करवा लिया लेकिन मैंने मेरा ही ले लिया बिकॉज कुछ और मिल नहीं रहा था। अब दूसरा स्टॉप है डी मार्ट अगर टाइम रहा तो। सो आई जस्ट केम टू दिस गांधीनगर वाला डी मार्ट ऑलमोस्ट आफ्टर 2 ईयर्स। अभी मैं जस्ट मेरे लिए कोई स्लिंग बैग देख रहा हूँ, वन इज़ हॉरिजॉन्टल एंड वन इज़ वर्टिकल फॉर माय कैमरा। लेट्स सी, आई एम जस्ट गोना डिसाइड इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। ऑलमोस्ट 2 साल बाद मैं गांधीनगर वाले डी मार्ट में आया था, सारी पुरानी यादें सारी ताज़ा हो गई, और बहुत ही ज़्यादा रिसर्च और सोचने के बाद ये वाला मैं फाइनल कैनवास है। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लिया गया है अमूल कूल का। Alright, so it's 3:30 and we are finally reached here. और बस मेरे लिए शॉप यहीं पर बैठे बैठे। अब से आवाज़ वेटिंग के दरवाज़ा बंद हो और मैं व्लॉग कर पाऊँ। Alright, so the main reason that why I bought this sling bag rather than any kind of camera bag is that first of all कि वैसे वाले कैमरा बैग्स में काफ़ी पैडिंग होती है, सो काफ़ी जगह रोकता है, और ये वाला एकदम स्लिम एंड ट्रिम है। प्लस ये मैंने स्पेशली मेरे G7 और मैंने माइक को अंदर सेफली रखने के लिए मैंने स्पेशली बाय किया है। And ऊपर से I was like damn confused between the two bags about the vertical and the horizontal bag. So मैंने फाइनली आखिर में ये हॉरिजॉन्टल मीन्स ऐसे वाला बैग ले लिया बिकॉज ये मुझे थोड़ा ज़्यादा स्पेशियस लगा कम्पेयर टू दैट वर्टिकल मीन्स दैट सीधा वाला बैग। लेट्स सी इसमें अगर सब परफेक्टली सेट हो गया अंदर तो आई एम गोना कीप दिस, अदरवाइज आई विल ट्राई दैट वर्टिकल वाला बैग, बट आई थिंक इसमें सब हो जाएगा, मेरा कैमरा, माइक्रोफोन, 360 कैमरा, फोकस और सब परफेक्ट। और अगर लास्ट शॉट में आवाज़ थोड़ी कम लगी होगी तो आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी बिकॉज थोड़ी कम आवाज़ में बात करना पड़ता है, सिर्फ मैं ही अकेला यहाँ पे कैमरे से बातें कर रहा हूँ इसीलिए। और इसके बाद जाना है यहाँ से सीधा बाइक के घर पे थोड़ी देर, अराउंड 2-3 ईयर्स, और उसके बाद सीधा डीमार्ट आइदर मिलेगा फिर। मतलब कि उन दोनों के बीच में एक और काम है जो है मुझे यहाँ से निकल कर फिर जाना है हर्षिल के अडालच पे, उसको पिक, मतलब उसको नहीं एक्चुअली उसका हेलमेट मेट और उसके टी शर्ट को पिकअप करने के लिए, बिकॉज हेलमेट चाहिए आशीष के लिए और टी शर्ट भी आशीष का ही, इसीलिए काफ़ी फोक हो रहा है। बस कल हम चारों चार एक ही टी शर्ट पहनने वाले, मतलब एक ही डिज़ाइन वाला जो कि फुल कैमोफ्लॉज टी शर्ट एंड
नीचे होगा ब्लैक जींस आइदर जॉगर्स। आशीष के पास नहीं था, सो दर्शिल गया था, नहीं कहता था उसे वहाँ से भी से वैसा वाला टी शर्ट उठा लिया आशीष के लिए भी। सो या टुमारो इट्स वन ऑफ द वेरी फन ट्रैवल टाइप ऑफ राइडिंग व्लॉग, पर कुछ भी कहो ये प्लेस भी एकदम व्लॉगजेनिक है एंड प्लस बीरोलजेनिक बिकॉज एकदम परफेक्ट जगह है बीरोल्स लेने के लिए। इसीलिए मस्त सिनेमैटिक ब्यूरो ले लिए। एडिट वैसे नहीं हुआ बट स्टिल काइंड ऑफ स्लो मोशन की तरह ही। सुबह फाइनली यहाँ से निकल रहा है, करंटली इट्स 4:10 सीधा भाई के घर पे। राइट सो इट्स 7:10, वी स्पेंट अ गुड क्वालिटी टाइम ओवर हियर, अब जा रहे सीधा घर पे, बट वापस से जाना पड़ेगा वही विजयपुर ओशिया मॉल में वापस से कुछ एक्सचेंज। लेट्स गो, काफ़ी मजा आ गया, ऑलमोस्ट 3 साल बाद में ये वाला फ्लैट आया उठे भाई के घर पे। बट एनीवेज लेट्स गो भाई, 10 मिनट से वेट कर रहा हूँ सीरियसली। कोई भी वेट करना तुम्हारा काम है। तो अभी एक्चुअली कल के लिए ही इसका हेलमेट और टी शर्ट यहाँ से उठा लेते, बाकी सारी बातें कल के व्लॉग में करेंगे इसके साथ। राइट राइट ब्रो, अरे राइट एब्सोल्युटली राइट। Right, so I've just reached Himatnagar and it's 9:50. अभी मैं जा रहा हूँ आशीष के घर पे to just give his हर्षिल का हेलमेट और उसका नया टी शर्ट कैमोफ्लॉग वाला। एंड आई वुड लाइक सीरियसली से के लाइक विजयपुर वाले ओशिया मॉल का स्टाफ काफ़ी ज़्यादा हम्बल है, बिकॉज हमारा एक्चुअली एक्सचेंज में कुछ प्रॉब्लम हुआ था और लाइक काइंड ऑफ इट वॉज इम्पॉसिबल, बट देन वहाँ के मैनेजर आए और उन्होंने बोला कि लाइक इट वुड बी पॉसिबल बट आपको सिर्फ मंडे आना होगा। वेरी बिग थैंक्स टू द विजयपुर वाले ओशा और उनके मैनेजर को, थैंक यू सो मच। सो दे वुड रियली हेल्प यू आउट ऑफ एनीथिंग, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो दे वुड रियली हेल्प यू आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम। यह अब मैं फटाफट इसी ब्लॉग को यहीं पे ही एंड करता हूँ, बिकॉज अभी मुझे फटाफट से घर जाकर ये वाले ब्लॉग को एडिट करना है पूरा, बिकॉज आज तो एडिटिंग का मौका ही नहीं मिला। इसीलिए गाइस सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय ब्लॉग टिल हियर, इफ यू एंजॉयड देन प्लीज लाइक, और अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो, बाकी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, साथ साथ वो बेल आइकन दबाओ एंड प्लीज फॉलो माय इंस्टाग्राम नाउ मिस्टर ब्लॉग वाज लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में, आई मीन लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में। तो मैं आप लोगों से मिलूंगा कल सुबह 9 बजे, टिल देन गुड बाय, सावन नारा एंड दास विदान। और अभी सब काफी घाई घाई में हो रहे बिकॉज 9:50 हो रहे, मुझे घर जाना है ब्लॉग एडिट करना है जो आराम से 1 घंटा तो लेगा, और उसके बाद 11 बजे सोना है फटाफट, एंड देन कल सुबह 4 या फिर 5 बजे उठना भी है बिकॉज कल निकलना है राइड पे। बट या एनीवेज गाइस बाय बाय। तेरा हेलमेट और तेरा टी शर्ट, कल सुबह 6 बजे निकलना है, डन। मेरा हेलमेट क्यों पहनने है तुझे कल राइड पे, और ये टी शर्ट भी, हेलमेट मैच है डन ना, पीछे बैठेगा ना तो हेलमेट पहनना पड़ता है।